नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अभी हाल ही में सूचना मिली है और जिन लोगों के पास UPPCL का पुराना लिंक आया था वो लोग अपने पुराने लिंक में लॉगिन करके देख सकते हैं। अभी UPPCL के आंसर की में 3 क्वेश्चन पे सभी कैंडिडेट को 3 नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांस हो गए हैं, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन गलत पाए गए हैं तो इसमें सभी कैंडिडेट के 3 नंबर बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा था बिजली की गति। ये देखिए बिजली की गति, अभी मैं आपको नया वाला दिखा रहा हूँ। नया वाले में क्वेश्चन के नीचे नोट पे लिखा है फॉर द क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर फुल मार्क्स इज बीइंग अवार्डेड टू कैंडिडेट। और देखिए पुराना वाला, इसके पहले मैंने रखा था, उसमें देखिए इस तरह का कोई भी नोट नहीं था पुरानी वाली आंसर की में। और ये जो आपके बाएं चल रही है नई वाली आंसर की है जो अभी अभी हाल ही में अपलोड हुई आज के दिन में 2 घंटे पहले। और आगे का एक और क्वेश्चन है जिसको मैं बता रहा हूँ आपको। आगे का जो क्वेश्चन है वो है, जो आगे का क्वेश्चन है जिसमें पूछा था फेज का अंतर। जी हाँ दोस्तों, फेज का अंतर, वो भी क्वेश्चन गलत पाया गया है उनके आंसर की के हिसाब से। और उन्होंने इस पर भी सभी कैंडिडेट को 1 नंबर देने की घोषणा की है। देखिए इसके नीचे भी लिखा हुआ है, नोट के लिखा हुआ है फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी क्वेश्चन आंसर फुल मार्क्स अवार्डेड टू ऑल कैंडिडेट। और देखिए इसी का मैं पुराना वाला आपको बगल में दिखा रहा हूँ। ये पुराने वाले में इसका कोई भी नोट नहीं था, जो ए को जो आंसर की आई थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये आज के दिन में जो आई है ये उसका आंसर की है। और आगे का एक क्वेश्चन और है जिसमें पूछा गया था सोलर सेल बैटरी में कौन सा कंडक्टर यूज होता है, जैसा कि उसमें आंसर की में दिया था सेमीकंडक्टर यूज होता है। लेकिन देखिए इसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, चाहे जिनके सही हों या गलत हो या किसी ने इसे टच भी ना किया हो, नंबर इसके पूरे मिलेंगे। और देखिए इसमें भी वही नोट लिखा हुआ है फुल मार्क्स इज बीइंग अवार्डेड। और देखिए इस पुराना वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, पुराना वाले में देखिए ऐसा कोई भी नोट नहीं है जिसमें मतलब कुछ इस तरह का दिया हो।